यहाँ इंदौर के पिपलियाराव गांव में कुछ अलग ही नजारा था। यहाँ प्रत्येक समाज के लोगों ने एक साथ मिलकर गैर माता पूजन किया और सामाजिक समरसता भोज का हिस्सा भी बने। इस दौरान ग्रामीणों ने भजनों पर जमकर डांस किया और माता से आशीर्वाद प्राप्त किया। ये कोई शादी समारोह का नजारा नहीं है, ना ही यह कोई डांस का प्रोग्राम है। दरअसल ये भक्ति की शक्ति का वो नजारा है जिसने सामाजिक समरसता की वो मिसाल पेश की है जिसके लिए सालों से प्रयास किया जा रहा है। यहाँ पिपलिया राव गांव में गैर माता का पूजन किया गया था जिसके लिए पूरे ग्रामवासी सुबह 3 बजे ही उठ गए और माता की आरती कर पूरे क्षेत्र पर अपना आशीर्वाद बनाने की कामना की। इस मौके पर अलग ही नजारा देखने को मिला जब कार्यक्रम में शामिल पूर्व विधायक मनोज पटेल भजनों और देशभक्ति गानों की धुन पर जमकर झूमते हुए नजर आए। कार्यक्रम को लेकर पूर्व विधायक मनोज पटेल ने बताया कि गैर माता के पूजन कार्यक्रम में सभी समाज के लोगों ने हिस्सा लिया, जिस दौरान समरसता भोज का भी आयोजन किया गया जिसमें सभी समाज के लोगों ने एक जाजम पर बैठकर भोजन किया। इसके साथ ही संकल्प लिया कि समाज में किसी भी तरह के भेदभाव को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा। आज पिपलिया राव में गाँव गैर माता जी का पूजन हुआ। कल रात से ही सभी लोग यहाँ पूरे गांव के लोग एकजुट होकर के सामाजिक समरसता के साथ में सभी ने एक साथ माता जी का पूजन किया, जो सुबह 3 बजे से शुरू हो गई थी। 3 बजे से लेकर के जुलूस प्रारंभ हुआ, 4 बजे माता जी का पूजन स्टार्ट हुआ और लगभग 6 बजे के आसपास सब ने एक साथ एकजुटता के साथ में बिना भेदभाव के माता जी का पूजन किया और उसके बाद में 9 बजे के बाद से सामाजिक समरसता भोज का आयोजन हुआ, जिसमें सभी, ना कोई गरीब, ना कोई रईस, ना कोई जात, ना कोई पात, सब हिंदू एकजुट होकर के सब ने यहाँ सामाजिक समरसता का भोज किया। सब ने एक साथ भोजन किया और मुझे लगता है कि ऐसा उदाहरण पिपलिया राव के गांव के सभी लोगों ने यह उदाहरण पेश किया है। मुझे नहीं लगता है कि कहीं और हुआ होगा ऐसा आयोजन, इसलिए पिपलिया राव के सारे नागरिक बंधुओं को मैं इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा, बधाई दूंगा और हम सब गांव के लोग एक हैं। वहीं कार्यक्रम को लेकर आसपास के पूरे क्षेत्र में जमकर तारीफ हो रही है और वो लोग भी इस कार्यक्रम से प्रेरणा लेकर आगामी समय में सभी को एक जाजम पर लाने के प्रयास में जुट चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, MP News, इंदौर।